राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, इस विभाग को लगातार जिनके निर्देशन में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और वो स्वयं भी लगातार आप सब लोगों के बहुत प्रयास करते हैं। हमारे खेल विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्या जी, इस क्षेत्र के ये रायपुर क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर अनेकों अनेक प्रतियोगिताएं, अनेकों अनेक कार्यक्रम पूरे देहरादून में, अगर और मैं कहूं देहरादून नहीं पूरे उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा बड़े बड़े कार्यालय, सबसे ज्यादा कार्यक्रम अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होते हैं तो रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होते हैं। उस रायपुर क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक कर्मठ जुझारू और मेरे बड़े भाई, हमेशा ये छोटे भाई के रूप में जो है, भले ही दायित्व में मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, रेखा जी हमारे मंत्री के रूप में, लेकिन ये हम लोगों के सबके बड़े भाई के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे इस रायपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बहन ममता देवी जी, हमारे निदेशक युवा कल्याण श्री सोनकर जी, श्री डिमरी जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको गौरवान्वित किया है, उसमें जसपाल राणा, विनोद बिंद्रा, लक्ष्य छेन, बछेंद्री पाल, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व जिनके प्रतिनिधियों के नाते आज कुछ लोग उपस्थित हुए नहीं हो पाए, ऐसे हमारे सभी महानुभाव आए हुए, सभी हमारे अतिथिगण और खेल विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और जिनके निमित्त आज ये खेल महाकुंभ यहाँ पर हो रहा है, ऐसे पूरे प्रदेश के 13 जनपदों से आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, प्रिय मैं कहूं कि इन खिलाड़ियों को बेटा और बेटिया, मेरे बेटे बेटिया जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे पत्रकार मित्र जो इस कार्यक्रम में चार चार लगाने का काम करेंगे, आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर हजारों लोग हैं और कल ये कई लाखों और करोड़ों लोगों तक ये कार्यक्रम जाएगा और कल क्या अभी से जाएगा। उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और पर्सनल मीडिया माने कि जो मुंह से जो बात होगी। मैं सर्वप्रथम इस खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए आए हुए उत्तराखंड के कोने कोने से सभी आए हुए खिलाड़ियों का यहां पर हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। राज्य स्तर पर होने वाला ये खेल महाकुंभ, जहां युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मंच है और इसको बहुत मैं कहूं कि बहुत निचले स्तर से, जो हमारे पंचायत स्तर है, फिर ब्लॉक स्तर है, फिर जिला स्तर, उस सब के खेलने के पश्चात अब आप सब लोग यहां पर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिसके बारे में हमारे युवा कल्याण विभाग के निदेशक जी ने और रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया। मैं यहां पर वास्तव में आप सबको देख रहा था जब यहां पर फ्लैग मार्च हो रहा था, आप सब लोग यहां से निकल रहे थे, आपकी ऊर्जा देखकर मैं बहुत आश्वस्त होकर
फक्र के साथ कह सकता हूं कि अब हमारे प्रदेश की और खासकर से पहाड़ की जवानी अब बेकार नहीं जाएगी और आप सब लोग निरंतर हमारे इस गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। खेल महाकुंभ में हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं वह भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसके लिए मैं बेटों को तो बधाई देता ही हूं, बेटियों को विशेष कर से बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यह आप सभी युवाओं की प्रतिभा का कमाल है कि आज पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का मान सम्मान और पहचान हर क्षेत्र में बढ़ रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जो हम सब लोगों का संकल्प था कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा फहर रहा है। भारत की मान सम्मान और पहचान को दिशा देने का काम, उसको एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम हमारे खिलाड़ी भाई भी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। आज हमारे युवा खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज खेल महाकुंभ इसका उद्देश्य इसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को आगामी जो 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, खेल तो हमारी प्राथमिकता में है ही है, उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए पूरे संकल्प के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए युवाओं का सशक्तिकरण होना हमारा मुख्य कार्य है, जिस हेतु हमारी सरकार हर प्रकार से नौजवानों को, युवाओं को, चाहे रोजगार से जुड़ने का विषय हो या पारदर्शिता से रोजगार मिलने की बात हो, हर क्षेत्र में संकल्पबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर और समयबद्ध होकर काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब पिछले दिनों भर्तियों के मामले में कुछ गड़बड़ियां हुई थी तो उन गड़बड़ियों में लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती थी कि आज भर्तियों में यहां गड़बड़ी हुई है, आज वहां गड़बड़ी हुई है। ये 2015-16 से लगातार चल रहा था। भाइयों बहनों, इस बार हमने संकल्प के साथ और भविष्य के लिए एक नजीर बने, एक ठोस कदम उठाने का हमने काम किया और इन भर्तियों की जांच का निर्णय लिया। इसका परिणाम हुआ कि 55 से भी ज्यादा लोग उसमें सीधे सीधे सम्मिलित पाए गए, सीधे सीधे कहीं ना कहीं उस संगठित अपराध में दोषी पाए गए, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया और एक व्यवस्था के तहत की 7000 जो भर्तियां थी वो 7000 भर्तियां तत्काल हो, उसके लिए भी हमने निर्णय लिया कि उस समय जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उससे वो भर्तियां नहीं हो सकती थी, उन भर्तियों को कराने के लिए हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि हम सारी भर्तियों को समयबद्ध तरीके से कराएंगे और सितंबर माह में हमने इस पर निर्णय लिया था। उस समय में कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि ये भर्तियां इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगी, इस प्रकार का निर्णय सरकार ने ले तो लिया है लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरेगा, व्यवहारिक रूप से ये हो नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, जब इच्छा शक्ति हो और लोगों की शुभकामनाएं हो, लोगों का स्नेह हो, बड़ों का आशीर्वाद हो और नीति साफ हो, नियत साफ हो, साफ मन हो, अच्छा मन हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं हो जाता है। जब हमने सितंबर माह में निर्णय लिया और अक्टूबर माह में 7000 की 7000 भर्तियों के कैलेंडर जारी हो गए, उनके विज्ञापन जारी हो गए, उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। भाई अभी 19000 पदों पर भी जो हमारे रिक्त हैं, मैं
लगातार उसकी समीक्षा कर रहा हूं, हर माह में उसकी समीक्षा कर रहा हूं। और हमने तय किया है कि जल्दी से जल्दी हमारे युवा नौजवानों को, हमारे खिलाड़ियों को, जहां भी रिक्तियां हैं, जो भी योग्य हमारे प्रतिभागी हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, अब किसी कीमत पर भी उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा। सारी भर्तियां हम पारदर्शी तरीके से करवाएंगे। एक कठोर जो कदम हमने उठाए भाई बहनों, इसके पीछे यह भी हेतु था कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की जो संगठित अपराध है, इसकी पुनरावृत्ति न करे। और करना बहुत दूर, इस दिशा में सोचना भी उसके लिए भारी पड़े, इसलिए हमने कठोर निर्णय लिया है और सारी भर्तियां जल्दी से जल्दी हम करवाएंगे। वर्तमान में भी राज्य में हमारे युवा वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है, बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार बेहतर शिक्षा, बेहतर खेल सुविधाएं दोनों देने के लिए हम संकल्पित हैं और हमारा लक्ष्य भी है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने एक और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर नई खेल नीति बनाकर 2021 में युवा खिलाड़ियों का भी ध्यान रखने का कार्य किया है। और उस नई खेल नीति में हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। अभी रेखा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। अभी हम सब लोग देख रहे थे यहाँ पर कितना रोमांचकारी दृश्य था, जब हमारे बच्चे यहाँ पर मलखम्ब का प्रदर्शन कर रहे थे। इस मलखम्ब को भी हमने अपने राज्य की खेल नीति में शामिल किया है। भाइयों बहनों, नई खेल नीति में राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए अभी मैंने पिछले दिनों जो राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता पुलिस विभाग की हुई थी, उसमें मैंने घोषणा की थी कि नौकरियों में हमारे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम खेल कोटा फिर से प्रारंभ करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिले, शिक्षण मिले, उसके लिए जो यही हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, इसको स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय बनाने का भी हमने निर्णय लिया है। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी युवा नए भारत और नए उत्तराखंड का जो एक नींव है, समृद्धशाली नींव है, वो आप सबसे शुरू होती है। आप सबसे ही उत्तराखंड प्रारंभ होता है। और हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, इस नींव को मजबूत बनाने के लिए जो भी काम हो सकता है, और मैंने रेखा जी से पिछले दिनों अनुरोध किया था कि ये हमारे जो खेल की प्रतियोगिताएं हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो ग्राम सभा स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तरों से तो आ ही रहे, उससे नीचे से आने चाहिए। इसलिए उसी का परिणाम है कि आज खेल विभाग ने बहुत अच्छा काम करते हुए, जहां पिछले वर्ष की तुलना में खेल महाकुंभ में मैं आया था, उसकी तुलना में इस बार प्रतिभाग करने वालों के हमारे बेटे बेटियों की संख्या जस्ट उसके डबल हो गई। इसके लिए मैं बहुत खेल विभाग को बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि खेल कुंभ में, खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे हमारे युवा खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड व देश का नाम रोशन करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूं कि अभी तक जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के लिए भोजन हेतु दी जाने वाली धनराशि
150 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए किया जाएगा और इस खेल महाकुंभ के दौरान जो विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि है वह भी जो न्याय पंचायत स्तर पर अभी तक कोई धनराशि नहीं दी जाती थी प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को उनको 300 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी पहले स्थान पर आने वालों को और दूसरे स्थान पर भी कोई धनराशि नहीं दी जाती थी वह भी 200 रुपए की धनराशि दी जाएगी और तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को भी 150 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से विकास खंड में अभी तक जो 300 रुपए की धनराशि दी जाती थी उसको 500 रुपए किया जाएगा पहला स्थान प्राप्त करने वालों को और दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 200 रुपए की जगह 400 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 150 से 300 रुपया की धनराशि उनको भी दी जाएगी। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर जो पहला स्थान प्राप्त करने वालों को 700 रुपया दिया जाता था उसको 800 रुपया किया जाएगा और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 500 की जगह 600 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 300 से 400 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार से राज्य में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उनको 1000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी उसको 1500 रुपए प्रदान किया जाएगा और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 600 रुपया भी दिया जाता था उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार से 400 रुपया तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को 700 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों इसके साथ साथ खेलों को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं क्योंकि हमारे राज्य में एक से एक खिलाड़ियों की प्रतिभाएं हैं बहुत सारे क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं। आज राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रदेश भले ही बहुत बड़ा न हो लेकिन आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि आप सब लोगों के अंदर जो ऊर्जा है जो उत्साह है क्योंकि अगर आपके अंदर उत्साह होगा तो ऊर्जा का संचार स्वयं ही हो जाएगा और वही ऊर्जा आपको हर खेल के मैदान पर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हो उस सब में आपको जो है कहीं ना कहीं एक अलग श्रेणी में पदकों की श्रेणी में विजेताओं की श्रेणी में रखेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी युवा खिलाड़ियों को इस खेल महाकुंभ में अच्छे प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं हमारे सभी देवी देवताओं से बाबा केदार से बाबा बद्री विशाल से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमारी इस पूरे महाकुंभ को आयोजित करने के लिए हमारी यशस्वी जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्या जी और उनकी पूरी टीम इस खेल महाकुंभ को सफल आयोजन के लिए उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड और